हेलो, आई एम कांचन। नमूद किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्रैब की करी, यानी कि खेकड़ा करी। ये खाने के लिए भी बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हो। और इसे कैसे साफ करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। चलो फिर देखते हैं कैसे बनाना है। जो हमने क्रैब ली थी उसके मैंने सब पैर और उसका जो आगे का मुँह का भाग है वो भी निकाल लिया है। और एक क्रैप मैंने यहाँ पे साफ करके रख दिया था, उसका अंदर का एक पार्ट भी मैंने निकाल के रख दिया था। तो एक क्रैप है, उसके पैर और आगे का भाग मैंने निकाल लिया था। अब इसे पीछे वाले पेट का जो भाग है उसे हम ओपन करेंगे। ये आसानी से हो जाता है। देखो इस तरह से। और जो है ऊपर का पार्ट है हम इसे साइड में रखने वाले, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करने वाले हैं। और जो येलो पार्ट है हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। येलो पार्ट आपको निकालना ही है, खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है। और जो ऊपर नीचे का जो पार्ट है हम इसे यूज़ नहीं करने वाले, इसे हम साइड में रखने वाले हैं। एक दूसरा छोटा क्रैप्ट है उसे भी हम ऐसे ही ओपन करने वाले हैं। देखो उसका भी हम ऊपर का पार्ट रखने वाले हैं, अंदर का येलो पार्ट हम निकाल लेंगे। और जो उसका ब्लैक भाग है उसे हम नहीं यूज करने वाले। इस तरह से मैंने क्रैप साफ किए थे। साफ करने के बाद इसे 3 या 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्याज को भून लिया था, लहसुन है, टोमेटो है, रोस्टेड चना दाल को मैंने भून लिया था, और यहाँ पर ड्राई कोकोनट को मैंने भून लिया था, और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। मैं ऐड कर रही हूँ धना जीरा पाउडर, लवंग और काली मिर्च। जो हमारे खेकड़े के पेड़ थे उसको हम मिक्सर में ग्राइंड करने वाले हैं। पहले हम इसे बिना पानी डाल के ही ग्राइंड करने वाले हैं। जब ये पूरा ग्राइंड हो जाएगा तो वापस में उसमें पानी डाल के ग्राइंड करेंगे। इससे जो खेकड़े का जूस है वो अच्छा निकलेगा और हमारे ग्रेवी को भी टेस्ट अच्छे आने वाले हैं। जूस निकल चुका है, हम इसे छान के ही यूज करने वाले हैं। जो हमने जूस निकाला था उसको मैंने छान लिया है, इसे छान कर ही यूज करना है। और छानने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे हम अलग से ही रखने वाले हैं। उसको हम ग्रेवी में बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले, नहीं तो फिर हमारी ग्रेवी खाने के अच्छे नहीं लगने वाले। भुना हुआ मसाला तो उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, उसे पूरा बारीक ही ग्राइंड करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे इस ग्रेवी के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा मसाला। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मालवनी मसाला। इस ग्रेवी में मालवनी मसाला का यूज़ मैं ज़्यादा कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से यहाँ पे मसाले यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर मालवनी मसाला नहीं होगा तो भी चलेगा, यहाँ पे आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हो। इसे हम फ्राई कर लेंगे। उसमें मैं थोड़े से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला भी यूज़ कर रही हूँ। और इस ग्रेवी को हम पकने देंगे 1-5 मिनट के लिए। इसके ऊपर मैं लीड रखने वाली हूँ, तभी जो हमारी ग्रेवी खाने के लिए टेस्टी बनती है। अभी हम ग्रेवी को पकने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं और जो हमारा मसाला है अच्छी तरह से भून चुका है। अगर आपको ग्रेवी की टेस्ट अच्छे चाहिए तो आपको कोई भी जो मसाला है उसे 5 मिनट की अच्छी तरह से भूनना है, तब ग्रेवी की टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं।
इसमें हम डालने वाले हैं खेकड़े का जो येलो पार्ट है उसे हम डाल लेंगे और उसे हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें डालने वाले हैं हमारे क्रैब यानी कि खेकड़ा और इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालने वाले हैं 1.5 गिलास पानी और इसे हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है। हमारे ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुके हैं। इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड करने वाले हैं जो हमने खेकड़े का जूस निकाल के रखा था ना उसे हम ऐड करने वाले हैं। इससे जो हमारी ग्रेवी है बहुत टेस्टी बनेंगी और ग्रेवी थोड़ी थिक भी बनेंगी। और इसे हम 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे फिर जो हमारी ग्रेवी है खाने के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे ग्रेवी खाने के लिए रेडी हो चुके हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। आप इस तरह से ग्रेवी एक बार ज़रूर बना के देखिए। यहाँ पे हमारे खेकड़ा की भाजी यानी क्रैब की ग्रेवी खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नोमिस किचन देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।